उधर लियाकतपुर की यूनियन काउंसिल तरंडा गोरगेज में बिजली के पोल फराम कर दिए गए। इस मौके पर मखदूम सैयद कौसर अब्बास शमसी का कहना था कि अपने इलाके की पसमानदगी और महरूमियां खत्म करना और इलाके में तरक्की और खुशहाली लाना अवलीन तरजीह है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं गुलाम अली की रिपोर्ट। यूनियन कौंसल तरंडा गुरगेज बस्ती में मखदूम सैयद कौसर अब्बास शमसी की खसूसी काविश पर MNA मखदूम सैयद मुबीन आलम ने बस्ती यूनियन कौंसल तरंडा गुरगेज के लिए बिजली के पोल फराहम कर दिए। मखदूम सैयद कौसर अब्बास शमसी ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, घर घर रोशनी का सफर जारी रहेगा इंशाल्लाह। मखदूम मोहसिनाबाद की क्यादत में हम अपने इलाके से पसमानदगी और महरूमियों का मुकम्मल खात्मा करके इलाके में तरक्की और खुशहाली लाएंगे। हमारी अवलीन तरजीहत है अवामी खिदमत। सियासत अवामी खिदमत का नाम है और इंशाअल्लाह अवामी खिदमत का ये सफर हमेशा जारी रखेंगे। अहले इलाका ने इस अहसन इकदाम पर मखदूम मोहसिनाबाद और मखदूम सैयद कौसर अब्बास शमसी को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर NA 175 के कोऑर्डिनेटर आमिर महमूद, साबिक कौंसलर शबीर अहमद, शमीम खान, जाम अमजद वैंस, हाजी खादम हुसैन, रब नवाज, नजीर अहमद, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद जफर सिद्दीक और दीगर अहले इलाका मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा गुलाम अली, CTHD न्यूज़, लियाकतपुर।